हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन मास्टर मील्स। स्वागत है आप सबका। तो आज बनाते हैं ये बैंगन की सब्जी। इसमें है ये थोड़ा लहसुन और मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने अब 4-5 लिया है, और ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं, और 1 प्याज, 1 कांदा लिया है। और ये 2 बैंगन काले वाले, इसमें 2 तरह के बैंगन आते हैं, एक वो लंबे वाले आते थोड़े से, और ये थोड़े गोल आते हैं। तो दोनों का टेस्ट अलग है, मतलब वो बैंगन और ये बैंगन में फ़र्क बहुत रहता है, वो बैंगन का टेस्ट और इसका टेस्ट अलग रहता है। तो बनाते हैं बैंगन की सब्जी आज। इसको पहले काट के हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा ऑयल में, इसके बाद में ये मसाला ग्राइंड करके सारा इसका पेस्ट बना के फिर वगार देंगे। चलो तो फिर बनाते हैं अपना बैंगन का सब्जी। तो ये मैंने राई और थोड़ा हींग लिया है, इसको थोड़ा तेल में क्रैक करेंगे। ये देखो मैंने बैंगन ऐसा काटा है, तो आप कैसे भी काट सकते हो, अपने ऊपर है। अब डालेंगे ये बैंगन, ये अभी बहुत ज़्यादा दिखता है लेकिन वो पकने के बाद बहुत कम हो जाता है, तो ज़्यादा दिखेगा तो भी डरने का नहीं, वो कम हो जाएगा, और अपने को कितना लगता है उतना ही बनाओगे ना। और अभी डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और उसको अच्छा से ढक के स्लो गैस पे पकने देते हैं जब भी तक हम बनाते हैं मसाला। तो अब बनाते हैं मसाला। ये मैंने लिया है मिर्ची पाउडर 1 छोटी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, और 1 छोटी चम्मच मैगी मसाला। तो अब ये जो मैंने लिया था वो मैंने ग्राइंड किया, कांदा टमाटर और वो मिर्ची और लहसुन। अभी ये मसाले को फ्राई करते हैं। पूरा मसाला इसमें और साइड में ये डालते हैं तेल में, ताकि अपना मसाला जले नहीं। तो इसको अभी फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, जब तक ये फ्राई नहीं होता है अच्छी तरह से। चलो तो फिर देखते हैं अपना बैंगन का मसाला। ये देखो बहुत मस्त हो गया है, इसमें थोड़ा मिक्सर धो के मैंने पानी डाला था, तो मसाला अपना बन गया है। अब डालेंगे ये 1 मैगी क्यूब, ये वेज क्यूब है, अब डालेंगे अपना बैंगन जो रखा था, बैंगन हमने डाला था, वो बैंगन भी पक गया है। तो अब इसमें डालते हैं अपना बैंगन, आप देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है भाजी अपनी, ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं होगी और ज़्यादा सूखा भी नहीं होगा, एकदम मीडियम रहेगी ये। नमक मिर्ची सब टेस्ट करने का, और अभी हम रखेंगे 2-3 मिनट मसाला जाने के लिए अंदर।
देखते हैं अपना बैंगन, ये देखो मस्त बन गया है। अभी इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पक चुका है। बहुत मस्त बन गया है। अब मारते हैं इसमें धनिया, टेस्ट एकदम बेस्ट है। आपको अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। तो गैस करते हैं बंद, अपना भाजी रेडी है। ये देखो अपना भाजी मस्त बन गया है, खाने के लिए रेडी है। रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, किसी के भी साथ खाओ, बहुत मस्त खुशबू आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।